गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं आज रायता बना रही हूँ, तो रायता बनाने की रेसिपी शेयर कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैं दही ले ली हूँ, उसको थोड़ा सा पानी देकर अच्छी तरह से घोल बना ली हूँ। घर में ही दही जमाती हूँ, उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से दही जमाते हैं। उसके बाद में देखिए, मैंने एक खीरा ले ली हूँ, एक टमाटर, एक हरी मिर्च, आप अपने झाल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं झाल नहीं खाते हैं हम लोग ज़्यादा, इसलिए एक ही मिर्चा ली हूँ। और एक प्याज, उसको छोटी बारीक छोटी छोटी आकारों में बारीक कटा हुआ है। उसके बाद में सारे जितने प्याज और खीरा टमाटर जितने भी बारीक कटा हुआ था उसको मैंने दही में डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लिया। मिलाने के बाद में आपका काला नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद में जीरा का भुना हुआ पाउडर दे के अच्छी तरह से मिला ली। मिलाने के बाद में थोड़ा सा मैंने एक सादा तेल लिया, सादा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो उसमें मैं जीरा फोरन दी। फोरन देने के बाद में उस रायता में अच्छी तरह से देखिए मिला ली। मिलाने के बाद में मेरा रायता तैयार हो गया है। अब धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास धनिया का पत्ता नहीं था तो मैं धनिया का पत्ता नहीं डाली हूँ। गर्मी में इस तरह से रायता बना के खाइए, बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, पेट के लिए ख़राब भी नहीं होगा पेट। थैंक यू, बाय बाय।